वो उनका पता नहीं चलता था, लेकिन उनकी कफियात बहुत बड़ा थी। जैसे आम आदमी से बातें करते थे, जैसे नहीं आम आपने हम छुपा कर रखा, लेकिन आपने फरमाया था इनकी कब्र से बड़ा फायदा होगा, ये आपने फरमाया था। कहते हैं इनकी कब्र से बड़ा फायदा होगा, वो यही बात। और तीन जनाजे हुए हैं उनकी, और वो कश्मीर में, वो उस तरफ मेरा आप नहीं गए, ये जेल को क्रॉस के मेज पर आता है, अदालत की शुरू हो जाती है, आगे मेज पर से 2 घंटे का आगे फैसला है, जो आपके होते हैं ना जैसे ये मतलब 4 दीवारें हैं मकान की, एक वो हमारे उस सिलसिले के एक दीवार से, वो 4 दीवारें होती हैं, 4 पिलर हैं, या 4 पाए हैं, या 4 व्हील होते हैं गाड़ी के, 4 पाए होते हैं टेबल के, 4 पाए, एक पाया वो थे, वो कुल बात बेशुमार है आप, लेकिन उनमें वो उन्हें इम्तियाजी असीयत हासिल थी, बड़ा उनका यानी कि ये गुर्दे ख़त्म है, दोनों किडनी ख़त्म थी 4-5 साल से बिल्कुल, और शुगर भी इंतहा की थी, और भी सांस की बीमारी थी, कई बीमारी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है कि जनाब वो मशीनें लगी हुई थी, अस्पताल भी जाते थे, जब भी कोई प्रोग्राम पड़ा होता उसमें पहुँचते और वहाँ पर बैठते, जब देखते आप ताकत ख़त्म हो रही है, दोस्त कहते वापस ले जाते, घर में भी आकर महफिल होती बैठे देख रहे हैं, और वो बातें जैसे करते थे, एक बार किसी से और ना फ्री कोई थोड़ा जिससे जानते थे, वो यार कमाल का आदमी है वो, तो ये भी नहीं तुझे पता नहीं है यार मुझसे पैसे ले लेते हैं चीज़ें, जहर ही पता चला आदमी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए जाए, लेकिन उनका अंदाज ना वो जानते थे कोई खास आदमी ठहरे आम है ना। तो ये जो दौर है, ये बच्चे यहाँ के हैं, आपको ये तो बड़े नाजुक होते हैं, वो तो जरा बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बड़े नर्म नाजुक हैं तो, लेकिन जो उनसे वाकिफ थे ना उन्हें पता था, तो जो नहीं वाकिफ उनके लिए बड़ा, लेकिन उनकी जो बातें थी हिकमत वाली थी, बड़े राज वाले, वो बड़ी पुख्ता बात करते थे ना, वो जो उनकी तरीकत के बहुत वाकिफ थे, ये बड़े फुटबॉल में थे, उम्र के लिहाज से भी थे भी बड़े पुराने, और उनकी जो पेशेंटगुई जो आपने फरमाई थी शुरू में, फरमाया जब ये हल्के में दाखिल हुए आप मान लेंगे, मुझे बताया गया कि इनको कुछ नहीं कहना, ये जिस तरीके से चलते रहे चलते रहे, उनका अंदाज ही अपना था, ये होता है ना कि मसाले आपने मैप रखी है वहाँ इधर आए हैं तो वो आएंगे, उनका ये नहीं था, उन्हें ये पता मेरा शेख बरतानी के किसी भी हिस्से में प्रोग्राम है, उनको दावत दे या ना दे वो वहाँ पर पहुँचे होते थे। बर्फ पड़ी हुई है इतनी सर्दी में भी उन्होंने गुसल करना है, नहीं गर्म पानी ठंडे पानी से गुसल, इतनी बर्फ वैसे आदमी कामता है यानी कि नफ को जो है ना उसका से काबू किया हुआ था, सख्त सर्दी में भी जनाब वो ये नहीं किसी मुतालबा नहीं करना किसी चीज़ का, यहाँ आए हैं जी हम होते हैं पानी गर्म होगा ये वो जैसा है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, जहाँ बैठे मैं अपने अपने मामूल पाले, यानी कि उनकी जो अंदाज था ना वो एक डिफरेंट अंदाज उनका था। बस आप मजूबी आना भी और कलंदराना भी इससे उनका मशहर था, उनके जो अजीज हैं वो भी नहीं समझ सकते थे, भाइयों से भी उसी तरह वही बहुत शर्रा हैं, सारा कुछ है, वही भी एक सिलसिले मिलने वाले हैं, तो उन वो भी इसी तरह समझते थे हमारा भाई वह नेको कार है, वो यही समझते थे। जब उनका विसाल हुआ जब दुनिया में देख पीटरबर्ग में आज तक इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ, वो आपने मस्जिद होता उसमें देखी हो वेबसाइट में, वो बहुत बड़ी मस्जिद है बरतानिया की मसाजिद में से जो बड़ी मसाजिद है उनमें से एक वो मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत बनी है, बड़े दूर से लोग आते हैं यानी है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लोग देखने के लिए, उस ये यूके की बड़ी मसाजिद में से है, खूबसूरत बनी हुई है, तो उसके कई 2-3 हिस्से हैं, बारसैन भी है बड़ा कुछ, तो पूरे का पूरा बाहर सारे बड़े हुए थे, इतना बड़ा जनाजा जो है ये जो है ना पीटरबर्ग तारीख में नहीं था, और उनके जो भाई हैं जब हम इनका इलाका अम्ब जो है ना यहाँ की कब्र बनी है उनका आबाई जगह है, तो वहाँ जब बाडी लेकर वहाँ पर हम ये पहुँचे तो उनका जब जनाजा हुआ उनके भाई कहने के मैं कुछ बोलना चाहता, बड़े भाई उनके
क्या ठीक है, बहुत शर्म है आके ही आज की बड़े। वो कहने लगे कि मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार हज किए, नवाफल भी पढ़ता हूँ, तजद भी पढ़ता हूँ, जिक्रकार बड़ा करता हूँ, और कोई जलसा जुलूस हर में शामिल होता हूँ, हर दुख से रहता हूँ। वो कहते हैं एक ज़िंदगी गुजर गई है, कहने लगे कि आज दिन तक किसी ने मेरे हाथ से चुमे, हालांकि सफ़ेद रेशे हजरत सूरज साहब से दो साल मेरे दो तीन साल बड़े भी थे। कहने लगे कि मैं इतना नमाजी परहेजगार अल्लाह अल्लाह करने वाला और इतने हज उम्रे किए हैं और इतने यानी है कि बुजुर्गों से भी मिलते रहता हूँ, ये जो जलसे जुलूस आम होता हूँ, आज दिन तक मेरा किसी ने हाथ नहीं चूमा। कहने लगे जब जनाजे में ये हमारे जो भाई हैं इनका जनाजा पड़ा, जब लोगों को पता चला कि हम इनके भाई हैं तो लोगों ने मेरा हाथ चूमनी शुरू कर दी। कहने लगे कि मैं इनको नहीं पहचान सकता, अल्लाह ने कितना बड़ा उन्हें मुकाम दिया है। तो वो गम में थी बल्कि पूरी फैमिली नहीं पहचान सकी, वो उन्होंने खुद भी अपने आप को जो छुपाया हुआ था। आम जब जाते ना वो भाई जी ठीक हो खैरियत है जैसे ना आम बातें करते, उन्हें ये बिल्कुल ही नहीं था मैं भी कुछ हूँ, इसी तरह रखा हुआ था। अब उन्हें पता चला है कि क्या जो खुफियात है। अब सारे जनाब वो कहते हैं जो दूसरे के अजीज हैं भतीजे भांजे हैं वो वालद को कहते हैं जिसको कि आपने मैंने के बारे बताया नहीं है, ये हमारे घर में इतने बड़े बुजुर्ग थे ना, वो कहते हैं हमें खुद नहीं समझ चली वो कहते हैं मैं खुद